हाँ जी हाँ जी हाँ हैं किस बात का फैमिली होती है ना तो फैमिली यहाँ कितने प्रकार की बच्चों को मिली हुई है। एक तो लौकिक फैमिली मिली हुई है, उसको कहते हैं लोहे की जंजीरें, और फिर उससे भी बड़ी फैमिली कौन सी मिली हुई है, अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया। ये भी परिवार है या नहीं है, ये भी फैमिली है, ये फिर वेद की फैमिली है। इस वेद की फैमिली में भी कोई की बुद्धि का लगाव लग जाता है या नहीं लग जाता है, है? जिनका वेद की ब्राह्मणों की दुनिया में हद से निकलने के बाद वेद में आए और फिर लगाव लग गया, तो वो सोने की जंजीरें होती हैं। उन सोने की जंजीरों को छूटना और कड़ी बात हो जाती है। ज्यादा कीमती वैल्यूबल जंजीरें सोने की होती है या लोहे की होती है? हीरे में तो जंजीर बनेगी ही नहीं, वैल्यूबल जंजीर सोने की होती है। वो हीरा हीरा ही नहीं है जिसकी जंजीर बनाई जा सके। हीरे तो निराकारी होते हैं, रोशनी देने वाले होते हैं, वो खुद अंधेरे में कैसे आवेंगे। तो ये सोने की जंजीर, हाँ ये हो सकता है कि सोना मुलम्मा हो, प्योर सोना ना हो। जितना ही प्योर सोना होगा, जितनी ही प्योर सोने की जंजीर होगी, उतना ही ज्यादा कास्टली होने से लगाव छूटना और भी मुश्किल हो जाता है। और आज भारत का राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल इंसान का क्या हो गया, रोज दिखाए जाते हो गणान्वितों में उनका फोटो खींचते है, वो क्या बाद में हेड होगा वो कौरव कुल का? कौन भारत का राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल? तुमने मुरली में सुना है आगे चल करके कोई क्रिश्चियंस को भी प्रेसिडेंट बना देंगे, वो टाइम अभी आ गया क्या है? आ गया, अभी नहीं आया, आने वाला है। क्रिश्चियंस में तो दो तबके हैं, एक आस्तिकों का और एक पूरे नास्तिकों का। तो भारत की गवर्नमेंट में तो हर धर्म का बैठता है, गद्दी पर नहीं बैठता है। तो नास्तिक गवर्नमेंट का भी कोई भी गद्दी पर बैठाए देंगे तब समझो खेल खलास हुआ। और आज बोला है आपस में बैठ करके एक कमेटी बना करके मेमोरेंडम बनाओ और सरकार को जा करके उसको दिखाओ, जमा दू। हाँ। किस आधार से होगा? किस आधार? करने से होगा, बिना करने से हो जाएगा? हैं? अब जो करे सो पावे। बाबा इसके लिए अभी प्रयास चला, एक लेटर लिखा गया और वेरीफाई के लिए बाबा को भेजा गया कि इसमें संदेश भी हो और हमारे जो पीछे जो उसको संगठन को आगे बढ़ाने में नहीं दे रहे हैं उनके बारे में लिखा गया है। और एडवांस पार्टी क्या है इस विश्व में ब्रह्मकुमारी के समक्ष पार्लर जो चल रहा है उसके बारे में भी लिखा गया है, जो कि प्लानिंग है कि राज्य के हर जो बड़े अधिकारी होते हैं जो तंत्र को जो चलाते हैं उनके सामने ये दिया जाए और वो भी मास
पिटीशन के आधार पर जो भी बाबा के बच्चे बने हैं उनका सिग्नेचर के आधार पर जिनका सहमति है, तो इसके लिए बाबा से परमिशन भी लेना था और बाबा ने उसका इससे सहमति है कि नहीं। बाबा तो खुद ही कह रहे हैं मेमोरेंडम बनाओ, लेकिन बनाने वालों में जितनी प्योरिटी होगी उतना ही काम होगा, से बढ़कर के काम नहीं हो पाएगा। तो बाबा हिम्मत तो कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल हिम्मत करना है। और बाबा मुरली में आए हैं, जल्दी से भारत खिड़की सोने की जंजीर सोने की झिड़की सोने की चिड़िया थी। और झिड़की बोला झिड़की, जैसे कोई खिड़की से कोई सोना फेंकता है ना, ऐसे एक झिड़की थी। और इष्टन जंप को बाद की अवतरण भूमि भी कहा गया है। कहा गया कि है बाबा, तो एक धब्बा लग गया वैशाल्य का, तो अच्छा तो बाबा मुरली में बाबा बाप का जब कर्णुमा होगा तो शिवालय बनता है, और फिर बाप के बाद शिवालय के बाद कौन बनाता है, है माया रावण। तो माया रावण धब्बा लगाएगा या धब्बे को साफ करेगा। हाँ जी, बाबा साफ करने का जिम्मेदार बच्चों के ऊपर आ जाता है। अरे पतित भी बच्चे बनते हैं और पावन भी बच्चे बनते हैं, जो पतित बनते हैं और पतित बनाते हैं वो रावण संप्रदाय। बाबा इसके लिए एक प्लानिंग चला है कि मुरली में आया है कृष्ण की गीता से शिवालय जो था वो वैशालय बन गया। हाँ जी, और शिव शंकर भोलेनाथ की गीता से एक सेकेंड में जो है वो शिवालय बन जाएगा। हाँ। तो बाबा उस कच्ची गीता को आह्वान करने के लिए हम अभी तक संगठन रूप में कोई भी प्रयास अभी तक किया नहीं, क्योंकि वैशालय का तो धब्बा उठना चाहिए। ऐसे कैसे कहते हैं कोई प्रयास करता ही नहीं है, व्यक्तिगत रूप से बाबा किसी का पता नहीं चलता। हाँ। अगर संगठित रूप से बाबा ने जो बोला, संगठित रूप में बहुत सी ऐसी गीता पाठशाला है जिनमें जब से बाबा ने बोला है तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाबा खास करके कलकत्ता के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, कलकत्ता को पकड़ लिया। बाबा कलकत्ता में ही है, कलकत्ता का तो मेन ईस्टर्न जोन का है। तो कलकत्ता, कलकत्ता में गीता माता के कितने अध्याय है, गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। महारथी कितने हैं? 18 महारथी हैं। और 18 के आधे कितने होते हैं? 9। तो उन 9 में से सब नंबरवार होंगे कि एक ही जैसे होंगे? तो कलकत्ता ही है, कोई से भी पूछो ऑल इंडिया में जाके कि कलकत्ते में कौन सी देवी प्रसिद्ध है, तो फटाक से बतावेंगे कलकत्ते की काली बहुत प्रसिद्ध है। और कलकत्ते वालों को काली माई पकड़ना कोई मुसीबत है क्या, है नहीं? तो माता भी प्रसिद्ध है। तो कैसे कैसे, हाँ नहीं प्रसिद्ध है वो बात अलग, लेकिन महाकाली की जितनी मान्यता कलकत्ते में है उतनी और कोई भी प्रदेश में नहीं है। तो ईस्टर्न जोन ने एक माता को तो पकड़ लिया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, और दूसरों ने तो एक को भी नहीं पकड़ पाया। ये तो बाबा बोल रहे हैं संगठित रूप से आह्वान किया। अरे तो कहीं पांव छुआ कि नहीं, एड़ी चोटी
जब बायजोली खेलते हैं तो एड़ी चोटी एक भी हो जाती है। महाकाली महागौरी से मिलकर एक हो जाएगी। जब महालक्ष्मी बनेगी तो गीता माता की प्रत्यक्षता हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बाबा ये काली माता की जो पूजा वो तो कली के आदि से ही शुरू हुई होगी। कलयुग आदि में महाकाले होते नहीं है। कलयुग आदि में लक्ष्मी वो द्वापर के आदि में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है या महाकाल और महाकाली की पूजा होती है? लक्ष्मी की पूजा कहो। हाँ प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास तो कर सकते हैं, वैसे लेकर शिवालय बना दीजिए। कर रहे हैं ना, नंबर बार कर रहे हैं। बाबा एक कलकत्ता बन गया, बढ़िया विश्वालय नहीं है क्या? देखो पीछे पड़ गई कलकत्ता की। जिधर ही देखो कलकत्ता महाकाली का काली कलकत्ता वाली तारकेश्वर को नहीं देखता है। देखो अच्छा दुर्गा पूजा इधर का नेशनल फेस्टिवल है, अच्छा उसका जो वो इसलिए उठाता है, वो इसलिए उठाता है कि ये रविंद्र भाई ऑल वर्ल्ड में क्यों घूमता रहता है, हैं कलकत्ता छोड़ करके है। कभी नहीं घूमता तो रविंद्र भाई को बोलता है घर में ही बैठा है। वो जाता है बैठता है तो वो कहता है एक आदमी बोलने वाला चला गया तो दूसरा चाहिए ना। आया तो इसमें इसमें झूठ थोड़ा ही बोलता है, जो वैश्यालय बनता है वो ही शिवालय पहले बनता है। अच्छा लेकिन ये एक ही पॉइंट बहुत जगह में सुनते रहता है और वर्ष में दुर्गा पूजा जो होता है ना, हाँ सिंपल दुर्गा का नहीं, हाँ पूरा परिवार का पूजा है, हाँ पूरा परिवार। ऊपर में देखिए शिव शंकर है, हाँ बाद में दुर्गा, ये बाजू में लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक गणेश, हाँ परिवार का पूजा है, हाँ तो उसको कोई बात नहीं करता क्यों? कलकत्ता बारी बार कोई नॉलेज, वो इसलिए कहता है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये सारी देवियां मिलकर के लड़ाई शुरू करे, देवी और देवता है, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। बाबा ने जो भी ज्ञान की कलर देवियों को ऊपर दिया, देवियों तो लड़ाई शुरू करेगा। हाँ हाँ ये तो होगा होगा, बार बार काली बोलता हूँ उन लोगों को पहले मारेगा। मंदिर बहुत है तो बहुत चीज का मंदिर है। अरे तो यहाँ से पैदाइश होती है ना, जहाँ शिव की प्रत्यक्षता होती है, जहाँ बाप प्रत्यक्ष होता है, वहाँ बहुतायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ वर्धमान में एक तो आरती मंदिर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और तारकेश्वर में है। हाँ जी हाँ जी, और आगे हाँ एक मिनट एक, हाँ जी हाँ और ही पृथ्वी के नाम आया और एक ईश्वर गणना की संधान मिली, एक विज्ञानी लिखा है कि एक ईश्वर गणना की संधान मिली है, तो ईश्वर गणना के मतलब क्या है बाबा? जिसने लिखी है उससे पूछो ना, लिखी किसी ने और बाबा से पूछना शुरू कर दिया। बाबा का चमत्कार क्या है? बाबा चमत्कार करते हैं क्या? आया है ईश्वर को वो आया है आपको देखने के लिए, सुबह शाम देखा करिए ये सब बातें। हाँ बाबा हाँ
अर्जुन के आदि में रामबली अपना की जेपी छोड़ने के बाद उसके जो कॉलर थे नंबर वन जेपी छोड़ के चले गए। हाँ जी। और तब असली बच्चे थे उन्होंने भी 70 के बाद जब पिताजी के रामबली आत्मा के आने के बाद जेपी में आना शुरू किया नंबर वन। तो बाबा उस समय उनके लिए रामबली आत्मा ही एक ही था और अभी भी वही रामबली आत्मा भी है। और क्या है रामबली आत्मा का जो व्यक्तित्व था जिसके अंदर तो कार्य कर रहा है उस समय भी वही थे और अभी भी वही है। कौन है अभी भी वही है? वही रामबली आत्मा का जो व्यक्तित्व में जो सुक्रिशन अभी काम कर रहे हैं 70 के बाद। हाँ। तो ब्रह्मा के द्वारा जब माँ का पाठ बजाया गया तो वो बच्चे क्या उनसे पालना लिए होंगे? अगर जिसने नहीं लिया किससे पालना लिए होंगे? ब्रह्मा वाली आत्मा के द्वारा। रामबली आत्मा के चले जाने के बाद जिन्होंने यज्ञ छोड़ दिया था ब्रह्मा वाली आत्मा के तो बच्चे हैं और पहलौटी के बच्चे हैं। तो जो पहलौटी के बच्चे हैं वो बाप को पहले पहचानते हैं या बाद वाले पहचानते हैं? है? तो वो तो पहले पहचानने वालों में से हैं। ठीक है। जो ब्रह्मा का जो पाठ माँ का बचा रामबली आत्मा के यज्ञ के चले छोड़ के चले जाने के बाद 47 से लेकर के 59 तक तो उन बच्चों ने उनका उस समय का पाठ तो लिया नहीं। अगर भी लिया तो रामबली आत्मा के द्वारा जो सुकुंचल माँ के रूप में भी पाठ बजाया और पिता के रूप में भी पाठ दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सन 46 से लेकर के सन 68-69 तक जो राम बाप से पहले पहले जन्म लेने वाले हैं सनत सनातन सनंदन सनत कुमार वो 68 और 69 से पहले आते ही नहीं है यज्ञ में। कोई कोई आते भी हैं मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद आते हैं। हमने का मेन उद्देश्य था कि किसी की जो पोस्टर है जो अर्धनारी से उसके बाद ये तो एक पर्सनिफाइज का चित्र कुछ दिखाया गया है परंतु मूल रूप से अगर देखा जाए अर्धनारी से उसके बाद सुप्रीम तौर और रामबली आत्मा शिव और शंकर ये मूल रूप में आत्मिक स्वरूप के रूप में अर्धनारी स्वर को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हर चीज का प्रैक्टिकल रूप चाहिए। बिंदी को माता नहीं कहा जा सकता। बिंदी पुरुष है पिता का रूप हो सकती है वो एक ही बिंदी है जो पिता है कभी भी माता नहीं है। वो बिंदी जब साकार में आती है तो एक साकार में आती है या दो साकार में आती है? उनमें एक एक माता का पार्ट है और एक एक पिता का पार्ट है। तो जिसमें पिता के रूप में आती है वो भी चोला है पांच तत्वों का और जिसमें माता के रूप में आती है वो भी पांच तत्वों का चोला है लेकिन जिसमें पिता के रूप में आती है बल दुनिया पहचानती है नहीं पहचानती है ब्राह्मण पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं फिर भी उस रूप में वो पिता का ही पार्ट बजाती है। जो गीता में बोला है हम बीज प्रदप पिता मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ तो प्रजापिता को माता तो कभी नहीं कहा है। कहा है नहीं। माता कौन हुई? जो बीज को धारण करती है वो माता है। माताओं में भी दो माताएं प्रसिद्ध हैं एक भारत माता
और दूसरी जगत माता। जगत माता का स्वरूप सारे जगत में व्याप्त है और भारत माता का स्वरूप भारत में व्याप्त है। अब कोई कहे कि भारत माता पहले या जगत माता पहले? पहले भारत माता। जगत में जगत पिता के आए बगैर भारत माता की स्थापना हो जाती है, तो फिर कैसे कह दिया पहले भारत माता? भारत ही विस्तार को पाकर के जगत बनती है, पृथ्वी बनती है, भारत ही रहता है, भारत खंड है, रहेगा है, दुनिया 200 वर्ष पहले हुआ। वो बाप के जाने के बाद की बात है या बाप जब आता है उस समय की बात है? जब आते हैं तो जगत होता है, भारत माता भी होती है, लेकिन भारत माता जिस भारत माता का रूप असली स्थापन किया जाता है, जिन भारत माताओं के लिए भारत बाप आता है, वो भारत माताओं की दशा तमो प्रधान होती है या सतो प्रधान होती है? तो सतो प्रधान भारत माता की बात हो रही है या तमो प्रधान भारत माता की बात हो रही है? सतो प्रधान भारत माता पहले नहीं, पहले कौन है? पहले तमो प्रधान भारत माता। तमो प्रधान भारत माता है, उसको सतो प्रधान बनाने के लिए बाप आता है। भारत की माता है तमो प्रधान माना कौन? माँ तमो प्रधान, माँ सतो प्रधान। बड़ी से बड़ी माँ कौन है? उसका दूसरा नाम है ब्रह्मा, ब्रह्म माँ। तो बड़ी माँ के रूप में ये गायन है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन होता है तो भारत माता प्रत्यक्ष होती है या रात में प्रत्यक्ष हो जाती है? हैं? दिन में प्रत्यक्ष होती है। जब दिन में प्रत्यक्ष होती है तो भारत माता का असली रूप होता है। अभी भारत माता का खंडित रूप है या अखंड भारत प्रत्यक्ष हुआ है? खंडित रूप है। पूजा किसकी होती है? अखंड भारत की पूजा होती है, अखंड भारत माता। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले कौन, पहले भारत माता कि पहले जगत माता? अरे भारत माता की भी माता कौन? जगत माता। तो सारे जगत की माता है, उसमें बाप की भी माता है या नहीं है? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसकी भी माता है या नहीं है? जब मनुष्य सृष्टि के पिता की ही माता है तो भारत माता तो बाद की बात हो गई। और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी में सब पुरुष है ना, चंद्रवंशी में सब नारी है, तो गौरव में दाबने का बाद तो ये शरीर कांचन का तो होगी, तो क्या होगी, चेंज होगी ये बॉडी? अरे बिना चेंज होते कैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन जाएंगे? चोला चोला पलट जाएगा क्या? क्या पुरुष पुरुष होंगे सब? नहीं, नहीं। या स्त्री स्त्री होंगे? हाँ, विजयमाला जो है
फ्री होती है, विजयमाला जो है तो वो तो सब फ्री होने होगा है ना, सब स्त्री होगा ऐसा नहीं कहा, स्त्री स्वभाव संस्कार के होंगे। और सूर्यवंशी चोला भल पुरुष का हो चोला भल स्त्री का हो लेकिन उनका स्वभाव संस्कार स्त्रियों जैसा होगा। सूर्यवंशी का पुरुष संस्कार होगा पुरुष, हाँ यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं अपने घर वालों से पूछो, घर वाले दिल पे हाथ रख के बताओ, ए घर वालों बताओ तुमको मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और बाबा आज मुझे मैं बोला पान को बीड़ा उठाना है, पान का बीड़ा उठाना है हाँ, माने जिम्मेवारी उठानी है। और बाबा जब रामा जी इतना पहले ज्ञान में आए उनके लिए मुरली में बोला गया भारत अभी पूरा नास्तिक है, उनके लिए बोला गया अभी नास्तिक नहीं है, हाँ, कोई नास्तिक है अभी भी नास्तिक है। जब रामा जी अपना बेसिक में पहले पहले आए तो किसको याद करते थे, जब आएगा तो वो किसको याद, वो तो जानता ही नहीं है कि भगवान कौन है, कभी राम को याद करेगा कभी कृष्ण को याद करेगा कभी शिव को याद करेगा कभी शंकर को याद करेगा, वो तो जैसे सारी दुनिया व्यभिचारी याद में समाई हुई है वैसे राम वाली आत्मा भी व्यभिचारी याद में समाई हुई है। तो उस समय जब बेसिक में आए तब के वो दादा लेखराज को ही भगवान मानते थे, दादा लेखराज भगवान बेसिक में आए क्यों मालूम नहीं पड़ गया बेसिक में आने के बाद कि बिंदु अलग है और दादा लेखराज ब्रह्मा अलग है। भाई का प्रश्न था भक्ति होली से शुरू दादा लेखराज के पीछे याद किया, दादा लेखराज वाली आत्मा को उन्होंने याद किया था, किन्होंने राम वाली आत्मा ने कब बेसिक में आए, बेसिक में आए तो दादा लेखराज को याद किया, उनके तन में बेसिक को उस साकार में बिंदु को याद किए थे भाई, वो तो आते ही पता लग गया ना कि एक आत्मा अलग है सुप्रीम सोल वो ही भगवान है और ब्रह्मा जो है वो अलग है वो भगवान नहीं है। तो बाबा उनका उनके ज्ञान में आने पर आने से ही उनके बुद्धि में बैठ गया था कि बिंदु ही सब कुछ है, बिंदु सब कुछ नहीं है, जब ज्ञान में आए बिंदु सब कुछ नहीं है, बिंदु सब कुछ तब है जब साकार में आता है तब सब कुछ है, लेकिन उस समय ये बुद्धि में नहीं बैठा कि ब्रह्मा का वास्तविक रूप अथवा शिव का वास्तविक रूप साकार में कौन है, तब तो बाबा वहीं से ही बिंदु को याद करना शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल वहां तो पूरा ज्ञान का पूरा डोज मिल गया ना कि आत्मा बिंदु और परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु, ये 69-68 में पूरा ज्ञान बाहर आ चुका था, फिर सुप्रीम सोल कौन ये फैसला नहीं हो सकता क्या। तो बाबा 8 पॉइंट के पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि गीता की भगवान कौन कृष्ण या शिवशंकर बोले ना, तो गीता की महाभारती में बाबा बोला गया जब विराट रूप लिखा गया कि उसी से ही आदि होता है और उसी से ही लीन हो रहे अंत बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है। अच्छा तो बाबा जब कृष्ण के ऊपर हम अगर गीता भगवान को साबित करना चाहे तो कृष्ण का सब जन्म भी दिखा दिया माता पिता से अंत भी दिखा दिया तो उसी से सृष्टि का आदि हुआ अंत हुआ तो साबित ही नहीं हो रहा है, विराट रूप की अपेक्षा जब कृष्ण को किया जाए तभी सारी है जब किया जाए, लेकिन विराट पुरुष में दिखाया गया ना एक तरफ स्थापना हो रही है एक तरफ विनाश हो रहा है एक तरफ उसमें आदि और अंत उस विराट पुरुष के द्वारा ही हो रहा है, तो जिसका और उस विराट पुरुष से जो भी जन्म ले रहे हैं और उस विराट पुरुष के समाप्त होने के पहले जो शरीर छोड़ दे रहे हैं विराट तो उसे कहेंगे जो विष्णु है, दो मिलकर के एक है, स्वभाव संस्कार से
बड़ी से बड़ी स्त्री भी है, स्त्री स्वभाव संस्कार की भी है और बड़े से बड़े स्वभाव संस्कार का पिता भी है। शिव को विष्णु कहेंगे, फिर विष्णु का असली रूप कौन है, मूल रूप कौन है, कौन सी आत्माएं हैं जो विष्णु का मूल रूप है? वो तो एक ही हो गई है, कौन है दो? अरे राम वाली आत्मा तो एक ही हो गई। वो विष्णु का रूप कौन है? हैं? छोटी माँ। छोटी माँ का जन्म ब्रह्मा से नहीं होता है? फिर विष्णु का वो रूप कौन सा है जिसमें दो आत्माओं का समुच्चय है? है ब्रह्मा सरस्वती, सरस्वती किसकी बेटी? फिर जगदम्बा और जगदम्बा और दादा लेखराज, ये विष्णु रूप है। अगर विष्णु रूप है तो जगदम्बा ने दादा लेखराज को यज्ञ के आदि में चलाया या नहीं चलाया? अरे यज्ञ के आदि में जगदम्बा ने दादा लेखराज के ऊपर कंट्रोल किया या नहीं किया? फिर विष्णु कहाँ से हो गए? आदि में विष्णु रूप लक्ष्मी और नारायण वाली आत्मा, जो लक्ष्मी है या जो राधा वाली आत्मा है वो ब्रह्मा की पुत्री ब्राह्मणी बनती है या नहीं बनती है? हैं? बनती है। तो वो विष्णु कैसे हो गए? मूल रूप में विष्णु कहेंगे सूर्य और सूर्यवंशी की माँ है। मूल रूप में विष्णु कहेंगे सूर्य और सूर्यवंशी की माँ, ज्ञान सूर्य और सेकंड नंबर माता ज्ञान सूर्य की जो माँ। अच्छा, तो भगवान आकर के अम्मा को पत्नी बनाता है। जो भी नाटक खेले जाते हैं वो नाटक राम और कृष्ण वाली आत्मा, ये पहला युगल रूप है या नहीं है अर्धनारीश्वर के रूप में? अभी चिल्लाते जा रहे अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर, अभी भूल गए। तो बोला कुछ देर पहले, कहाँ बोला? अभी तो बोला ही नहीं जब से ये बात शुरू हुई। बातों में छुप गया, बातों में छुप गया। क्यों बात हाँ कहते भी है दो बैलों की जोड़ी, एक आ आ एक टिक टिक, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का, कि दोनों मुखिया हैं। दो बैलों में से एक मुख्य होगा या दोनों मुख्य होंगे? एक मुख्य है। और उन्होंने पूछा संगमयुगी नारायण जब सतयुग की शुरुआत होगी तो क्या पाठ बजावेंगे? है जो संगमयुगी नारायण हैं वो सतयुग के आदि में क्या पाठ बजावेंगे? इतनी सी बात नहीं मालूम है, क्या पाठ बजावेंगे? अरे सचिव आदि की ही बात हो रही है, हैं? हाँ वहाँ पिता की बात शुरू होती है 2036 के बाद।
2036 से पहले पिता की बात नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण है। माता पिता तो हैं, लेकिन बच्चा नहीं है। सतयुग आदि में जब संगम युग खलास हो जाए तब कहेंगे कृष्ण बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ तो बाप भी होगा, बाप है तो वो गुरु भी होगा, जिसे कहते हैं वहाँ एक ही मंत्री होगा, वहाँ वजीर अनेकों नहीं होते हैं, कितने होते हैं? एक ही वजीर होता है, माँ बाप ही वहाँ वजीर का काम करते हैं। और कलकत्ता में बेसिक सेंटर का आजू बाजू में आठ पॉइंट का बम है, आठ पॉइंट का बम हाँ फेंका गया हैदराबाद के लिए। अरे जो चीज असरदार है वो तो हर जगह असर करेगी, नहीं का क्या सवाल? भाई सकते है? अब जितनी दम हो उतना काम करो। उसका ऊपर दुकान है, दुकान के ऊपर लगा सकते हो, रोड का ऊपर दुकान है तो कह रहा है कि लगा सकते हो। लगाओ, कौन मना करता है? और बाबा कोई भी जब धर्म स्थापन होता है, हाँ प्रजापति के लिए आत्मा उसकी आधी है, उसके दो तीन पीढ़ी के आधी है, तो किसी रूप आत्माएं होती है, जैसे धर्म के तौर पर बुद्ध का बौद्ध धर्म का स्थापन होता है, तो बिंदुसार के रूप में प्रजापति के लिए आत्मा जन्म लेती है और उनके जो बच्चा जन्म लेता है शुद्ध धर्म के रूप में, तो ये शुद्ध धर्म के रूप में बाबा वो अष्टदेव का मणका है या बिंदु आत्मा में से जो बोधिधर का आत्मा है वो है? भारत वर्ष में बाप बेटा ही गाया जाता है या और ऊपर के भी संबंध गाए जाते हैं? हैं? बाप के ऊपर दादे, तुम्हारे बाप दादे, दादे के ऊपर परदादे, परदादे के ऊपर सर दादे। बस इसका मतलब है कि बच्चे के रहते बाप जीवित रहता है, कहाँ? द्वापर कलयुग में, द्वापर में बाप के रहते बच्चा भी जीवित रहता है, बच्चे के रहते बाप बाप के साथ दादे भी जीवित रहता है, दादे के साथ परदादे भी जीवित रहता है, और कहीं कहीं परदादे के साथ सरदादा भी जीवित रहता है। तो पांच पांच पीढ़ियां जीवित रहती हैं। आज की दुनिया में और द्वापर के आज की दुनिया में बहुत फर्क हो गया। श्रृंखला में है श्रृंखला पांच जो श्रृंखला जीवित रहते थे, हाँ श्रृंखला में अष्टदेव का पाठ कहाँ है? अष्ट में से जो बोधिधर्म का था वो कनेक्टेड वो और बारह के आज में प्रसेस करने वाला जो भी रूपात्मा था बॉडी का, इसका पाठ कहाँ बाबा है? पहले ये तो फाइनल कर लो कि बाप को प्रत्यक्ष करने वाले धर्म पिताओं को जन्म देने वाले होंगे या जन्म देने वालों के भी बाप होंगे या उनके भी बाप होंगे? पीढ़ियां तो बहुत है, धर्म पिता आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो देहधारी धर्म पिता
संसार में उसी की मान्यता होती है, ऊपर से आने वाले को कोई कोई जानता नहीं है। बातें ही कर लो फिर। अच्छा, और क्या क्या बातें हो रही हमें भी सुना दे। वाह भाई, कितना भी गहरा पॉइंट चलता हो, माताओं को अपने बातें करने से काम हो जाता है। बात चल रही है कि बाप को प्रत्यक्ष करने वाले आखिर इन कौन सी आत्माएं हैं। वो कौन सी आत्माएं हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करती है, है? कौन? बीज रूप तो सारे ही रुद्रमाला के मणके हैं, है? बीज रूप में भी जो असली बीज जिस पर संगठन का कोई भी चीज छिलका नहीं करता, वो तो वासुदेव ही है। तो क्या क्या फैसला हुआ कि अष्टदेव ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे जो सारी दुनिया के पूर्वज हैं, या उसके अलावा कोई और दूसरा भी ग्रुप है जो बाप को पूरा प्रत्यक्ष करेंगे? सन 76 में किसने प्रत्यक्ष किया है? सन 76 में आदमी जिन्होंने प्रत्यक्ष किया, वो अंत में भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? वो ही बनेंगे जो आदि सो अंत, माने अष्टदेव नहीं बनेंगे। अष्टदेव तो है बाबा, अष्टदेव के साथ वो भी सहयोगी बन जाएंगे अंत में साथ। माने 12 देव हैं, है? 12 देव हैं या अष्टदेव हैं? अष्ट की पूजा होती है, 12 राशियां तो हैं। और डाउट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो जो बौद्धी धर्म को जन्म देने के पहले जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में अष्टदेव का पाठ सीधा हो रहा है शुद्ध धर्म के बच्चे के रूप में, या वो शुद्ध धर्म के कुछ रिश्तेदार जैसे पत्नी हो या कुछ भी हो? सिद्धार्थ का बाप शुद्धोधन, शुद्धोधन का बच्चा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का बाप सिद्धार्थ है नारायण, सिद्धार्थ है नारायण, लेकिन उस नारायण का भी बाप है शुद्धोधन, शुद्धोधन का बाप है बिंदुसार, और बिंदुसार जो है वो बिंदु का सार है। बिंदु जितने भी अलग अलग धर्मों के ज्योति बिंदु हैं, जिनको हम कहें ये धर्म पिताओं के बीज, जो धर्म बारह बारह के ग्रुप है ना, धर्म बारह बारह के ग्रुप है, नौ वैरायटी, उन बारह बारह के ग्रुप में एक मुखिया है या नहीं है? हर एक में एक मुखिया है, लेकिन वो मुखिया अष्टदेवों में नहीं है, रतन में चले जाते हैं। मुखिया का बाप है अष्टदेव बाबा, जो उनका भी बाप है मुखियों का, वो है अष्टदेव। हाँ जी, उनका बाप है बिंदुसार, उनका भी बाप हुआ, वो बिंदुसार नहीं कहेंगे, उन्हीं को बिंदुसार कहेंगे अष्टदेवों को। अष्टदेव जो हैं, वो अपने अपने धर्म के सार हैं, उसका कोई सार नहीं है, अगर है तो प्रजापिता है। प्रजापिता? हाँ जी, प्रजापिता जन्म देगा अष्टदेव को,
अष्टदेवों को जन्म देने वाला प्रजापिता, अष्टदेव जो है वो मुखिया को जन्म देते हैं, नारायण को। हाँ, वो जन्म देते हैं नारायणों को, नारायण को अंदर में आते हैं। हाँ, नारायण नहीं 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 नारायण तो बाबा सिद्धार्थ का बाप शुद्धोदन, जो शुद्धोदन है उनका बाप वो जो नहीं नहीं बाप की बात छोड़ो पहले, वो शुद्धोदन की जो कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी इसमें से है, शुद्धोदन है मुखिया बाबा, नहीं नहीं बीच है कुल बीज है जो नारायण को जन्म देते हैं, नारायण को जन्म देने वाला स्थूल बीज। हाँ। तो वो कौन हुआ, कौन सा ग्रुप है माला में, कौन सी माला के ग्रुप में है, रुद्र माला के ग्रुप में है, वो कौन से ग्रुप हैं? नहीं ये बात नहीं बताई, वो तो हैं, लेकिन कितने ग्रुप में से हैं? अरे सभी धर्मों के नौ मुख्य धर्म हैं आस्तिक, जो बाप से प्राप्ति करते हैं, नौ के अलावा तीन और हैं, बारह ग्रुप हैं, है या नहीं? बारह ग्रुप में जो उन बारह ग्रुप के मुखिया हैं, जिनको कहते हैं उन धर्मों के मुख्य। हाँ जी, तो वो आधार मूर्त हैं, आधार मूर्त के बाप हैं या बाप के भी बाप हैं? आधार मूर्त के बाप है बाबा, आधार मूर्त का बाप माना डाडे हुआ, बाप का बाप माना डाडे, आधार मूर्त सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का बाप शुद्धोदन, तो शुद्धोदन हुआ बाप, उस शुद्धोदन का भी बाप वो हुआ दादे अष्टदेव में से, उनको भी जो जन्म देने वाला है वो सब का बाप। हाँ जी, कुछ नाम है, कुछ नाम उनका नाम मिलेगा कैसे जब संगम युग की बात है तो। और सब धर्मों में तो आठ फरिश्ताओं का तक्का तो गायन है, लेकिन आठ फरिश्ताओं का भी बाप कौन है ये नहीं बताया गया। मुसलमानों में आठ फरिश्ते गाए हुए हैं जिन्होंने कयामत के समय में खुदा का तख्त उठाया, ऐसा गायन आता है, लेकिन उन तख्त उठाने वाले आठ फरिश्ताओं का भी बाप कौन है वो नहीं बताया। वो तो अल्लाह भी यही हो सकता है। और पाले पाले जन्म लेते हैं, पाले पाले जन्म लेते हैं, 84 जन्म लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 लाख दुनिया के बीज हैं, जिनमें हर धर्म की आत्माएं समाई हुई हैं, हर धर्म का सिजरा समाया हुआ है, ये 4.5 लाख आत्माओं में दुनिया में जितने भी ग्रुप हों धर्मों के मठपंथों के वो सब किसमें समाये हुए हैं? 4.5 लाख में समाये हुए हैं। वो 84 जन्म लेने वाले हैं, उनका एक जन्म एक्स्ट्रा आर्डिनरी है जो संगम युग में भी गाया हुआ है और सतयुग में भी वो जन्म रहता है, ये 84 जन्म है उनके।
महाकाली का जो चार भुजा लिखा है वो चार भुजा किसका किसका शास्त्र मिलता है बाबा? हैं? महाकाली चार भुजा है, चार भुजाएं ही दिखाई है, कलकत्ता में चार भुजा दिखाई है, तो चार भुजा का चार भुजाएं ही दिखाई है, ज्यादा तो नहीं दिखाई। फिर ब्रह्मा की जो भुजाएं वो भुजाएं अलग, लेकिन यहाँ महाकाली की बात हो रही है, ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है। तो काली को कितनी भुजाएं हैं टोटल? हम तो रुक गए हैं। ब्रह्मा एक स्वयं देवी है या नहीं है? हैं? स्वयं भी तो देवी है, जगदम्बा है कि नहीं? वास्तव में ये ब्रह्मा है तुम्हारी जगदम्बा, परंतु तन पुरुष का है, तो वास्तव में जगदम्बा को पकड़ेंगे या जो रियलिटी में है उसको पकड़ेंगे? वास्तव में जगदम्बा ब्रह्मा है, जो जगदम्बा है वही क्या बनती है? वही काली बनती है। तो ब्रह्मा की हजार भुजाएं हैं, तो वो हजार भुजाएं काला रूप धारण नहीं करेंगी? हैं? वो भी पूजा जो होता है ना कलकत्ता में पूजा, लेकिन हजार भुजाएं, हजार भुजाएं दिखाई नहीं जा सकती है, दिखाना मुश्किल है। आठ भुजाएं तक दिखाई जा सकती हैं। और भी भुजाएं दिखाई, कमर में लपटे हुए, कमर में हैं, कमर में लपटे हुए जो भुजाएं वो भी तो होंगे, आठ भुजाएं। हाँ, वो भी होंगी, लेकिन बाबा वो तो गायन तो है, वो तो दिखाने के लिए गायन है कि जो कमर में लपेटे हुए हैं वो भी काम विकार की सूचक कोई भुजा है, कोई आत्मा है बाबा। हावड़ा सुखपुर में एक हजार भुजा का काली मंदिर है। हावड़ा में सुखपुर हजार भुजाएं गिनी, सुखपुर में है। अरे हजार भुजाएं गिनी, वो तो बोलते हैं। अगर अभी भी सुनी सुनाई बातों की बातें करते रहेंगे तो निश्चित है हमारा पद क्या होगा। मुरली में तो ये बोला है, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, तो अब तो झूठ बोलना बंद करें। हैं? अब बोलते हैं, जो बोलते हैं वो झूठा बोलते हैं या सच्चा बोलते हैं? हैं? जो छोड़ दो उस बात को, उस बात को भरी सभा में मत उठाओ, नहीं तो बहुत से लोग हैं जो आपकी बात में विश्वास कर लेंगे, क्योंकि उनको उनके कुल में पीढ़ियों से पूजा होती चली आई है काली की। अब वो उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे और पाप तुम्हारा सारा तुम्हारे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तुमने भरी सभा में छाती ठोक के बोल दिया कि ऐसी भी एक देवी है जिसके हजार भुजाएं हैं, उसकी भी चित्र है, उसकी भी मूर्ति है। हजार भुजा होगा तो काली का फिर वही बात। देखो ये एक फॉलोअर अभी निकल गया, तुरंत का तुरंत निकल गया। हैं? महाकाली की बात हो रही है, वही महाकाली ब्रह्मा तो है, ब्रह्मा ही ब्रह्मा काली बनते हैं। हाँ जी, इस हिसाब से हजार भुजा जो है वो भी काली के अंदर में आ जाता है ना? आ जाता है, लेकिन चित्र नहीं है कोई, चित्र देखा जाए चार्ट। हाँ। लेकिन अभी हजार भुजा आ जाएगा काली का भुजा हिसाब से। हाँ। तो 500 राइटिस, 500 राइटिस। हाँ। और 500 लेफ्टिस। हाँ। तो राइटिस लेफ्टिस सभी काली का भुजा बन जाएगा। बिल्कुल, क्या काली की लेफ्टिस्ट भुजाएं नहीं होती हैं? काली के लेफ्टिस्ट भुजा राइटियस नहीं होती है भुजाएं? महाकाली की या काली की राइटियस भुजाएं होती हैं या नहीं? जो लेफ्टिस्ट होगा वही तो, लेफ्टिस्ट भी होती हैं और राइटियस भी होती हैं या आधी कटी हुई होती है? वो तो है तो बस मानना पड़ेगा। एक बात है, पॉइंट तो रिलेटेड, जब महाकाली अपने दिन लपटपाते हुए आएंगे, हैं,
जब जीत को लगने आएंगे तब का विनाश करेंगे, सिर्फ आप ही बचेंगे। हाँ हाँ, जो सौ जगह भुजाए उनका भी तो विनाश होगा। वो तो भुजाए हैं ना, सहयोगी है ना, मूल जिम्मेवार तो नहीं है वो कोई। तो बाबा उनका परिचय बताइए। हैं? सहयोगी बनी है मेरी काली का अभी अज्ञान में काली रात में लाई गई। हाँ। तो उनकी जो भुजाएं बनती है। हाँ। तो क्या जब महाकाली जब महागौरी की लिस्ट में आएगी तो उनकी परीक्षा नहीं लेंगी क्या? क्यों नहीं लेगी? तो लेगी तो वो भी विनाश लिस्ट में आ जाएंगे। आएंगे तो आएंगे तो ये तो हम ज्ञान के बाबा के ज्ञान के बचे हम जानते हैं कि वो भी विनाश करेंगे, फिर भी उनके जो सहयोगी उनको सपोर्ट देने में अभी भी लगी हुई है। आप रोक नहीं सकते, जो जिस कुल का होगा वो उसी की बात मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। आप कहें सारी ब्रह्मा कुमारियां हमारी आज ही बात मान जाए, वो बिल्कुल असंभव है, आज नहीं मानेगी। ये हो सकता है कि कल कोई दिन ऐसा आ जाए, कल का कोई तारीख नहीं होती है, कल आएगा तो फिर कहेंगे कल, कल आएगा तो फिर कहेंगे कल। हो सकता है 2036 में कोई कल आ जाए, ऐसा कल आ जाए जिसमें जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं असली नकली नहीं, जो कम से कम ब्रह्मा को मानते हैं, जानते भी नहीं हैं लेकिन फिर भी मानते हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां 9 लाख जरूर निकलेंगे जो मानेंगे। या तो वो बच्चों के रूप में जन्म लेंगे या तो जन्म देने वालों के रूप में होंगे। तो बाबा जब काली आएगी चंद्रवंशी अंधेरे में ले लेगी जो काशी नगरी में है वो भी बाबा हमारी महाकाली नेपटाई ले लेगा। अरे काशी नगरी को छोड़ करके काशी के जो स्पेशल फॉलोअर्स होंगे उनको छोड़ देगी क्या? नमस्ते काली माता का लगाना, नमस्ते काली माता का लगाना, कथा का लगाना कहा? एक काली होती है, कहती है उनका मुंडू अलग होता है, उनका आधार वो जो मुंडू है ना। हाँ। अच्छा। हाँ। वो अलग होता है, उसमें खून निकलता है तो और एक तय हो जाता है। हाँ, वो हाँ माने खून की एक बूंद जहाँ गिरी उसी से दूसरा असुर पैदा हो जाता है, रक्त बीज। रक्त बीज का मतलब है वो रक्त नहीं, वो स्थूल रक्त की बात नहीं है, यहाँ तो सब बेहद की बातें हैं। हमारा है संकल्पों का खून। क्या? तो महाकाली जिस असुर को भी मारेगी उसका एक भी संकल्प का दुष्ट संकल्प होगा ना उसका कि शुद्ध संकल्प होगा, उसका दुष्ट संकल्प का एक भी बूंद अगर किसी के अंदर गिर गया, कोई मिट्टी के चोले के अंदर, तो फिर असुर तैयार हो जाएगा। अगर उसके 10 बूंद 10 संकल्प भी 10 के अंदर गिर गए, 10 मिट्टी के चोलों में, तो वो भी 10 तैयार हो जाएंगे। 100 चोलों में गिरेंगे 100 बूंद तो भी कितने तैयार हो जाएंगे? 100 असुर तैयार हो जाएंगे। ये बेहद के रक्त की बात है, हद के रक्त से कोई ऐसे नहीं पैदा होते हैं, ये मिक्स ज्ञान की बात है। वो जानबूझ करके अपनी माया को जिंदा रखने के लिए वो झूठी झूठी बातें सुनाते हैं। जो ब्रह्मा मुख से निकला हुआ सत्य ज्ञान है वो नहीं सुनावेंगे, झूठ करके सुनावेंगे। अभी तो वो बातें आने वाली हैं मैदान में, अभी भी झूठ बोलते हैं,
एडवांस वालों से कहते हैं तुम्हारी ये मुरली झूठी है, तुमने अपनी छपा ली अलग से। इसका मतलब क्या हुआ कि मुरली की बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। वो झूठी बात ही चलाएंगे। लेकिन कभी तो उसका अंत होगा, वो है कभी तो उसका अंत होगा झूठ चलाने वाले। माना सत्य की स्थापना ही नहीं होगा तो फिर वो बेटी वाले जो मुरली को नहीं मानते वो बेटी वाले जिस मुरली को नहीं मानते उसी मुरली को हम पकड़े हुए हैं और इसी के आधार पर हम बात को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो 8 पॉइंट की जो सातवां पॉइंट है कि ब्रह्मा भी उतर आए हम शास्त्र को नहीं छोड़ेंगे। ब्राह्मण की दुनिया में शास्त्र का मूल्य ही हो गई और हम मूल्य के आधार पर मूल्य मतलब जिससे मूल्य की जादू और मुरलीधर से ही मूल्य निकला है जो हमारे लिए शास्त्र है। अगर ब्रह्मा भी उतर आके हमको बोलेगा ये बात का पाठ नहीं है तो हम भी नहीं मानेंगे क्योंकि हमको मूल्य के आधार पर पक्का विश्वास बैठ चुका है यही बात का पाठ है। तो इस पॉइंट पर ये क्लैरिफिकेशन देना उचित होगा या नहीं? इतनी गहराई में साधारण पब्लिक और दुनिया वाले नहीं घुसेंगे ना कि असली शास्त्र कौन से हैं। वो असली शास्त्र दुनियावी शास्त्रों को ही मानेंगे या तुम्हारी मुरली को असली शास्त्र मान लेंगे? वो तो तब मानेंगे जब कम से कम तुम उनको भट्टी में बैठा दो, 7 दिन का कोर्स दे दो, तब उनकी बुद्धि में बैठेगा कि ये जो दुनिया 5000 साल की दुनिया है इसकी शूटिंग का टाइम ये है संगम युग। यहाँ शूटिंग पीरियड में कोई शास्त्र भी है वो बेहद के शास्त्र है। पूछेंगे कौन से हैं तो वेद के मूल शास्त्र हैं। जैसे कि बाहर की दुनिया में शास्त्रवादी मानते हैं मूल शास्त्र हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे ही तुम यहाँ समझा सकते हो कि 18 वर्ष में 4 प्रकार की 4 कैटेगरीज की मुरलियां चल चुकी हैं। उनमें असली मुरलियां भी वो हैं जो वहाँ दबाई दी गई है। हाँ, सबसे पुरानी है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास भी है।